धौलपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद जल संसाधन विभाग ने पार्वती बांध के दो गेट खोलकर 2233 क्यूसेक पानी का निकासी की है, जिसके चलते कैचमेंट एरिया में पानी की आवक लगातार हो रही है। आपको बता दें कि डांग क्षेत्र में हो रही बारिश का पानी पार्वती बांध में प्रवेश करता है। अगर करौली और सरमथुरा के डांग इलाके में बारिश का दौर जारी रहा तो बांध के और भी गेट खोलकर पानी रिलीज किया जाएगा। उधर बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक अधिक होने पर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। वहीं अब अगर पार्वती बांध के ओर अधिक गेट खोल दिए गए तो नदी उफान पर आने की संभावना है, जिससे सैपाऊ और बसेड़ी के कई गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही दो दर्जन से अधिक गांवों से संपर्क टूट सकता है। सैपाऊ और बसेड़ी में बाढ़ का खतरा देखने को मिल सकता है। धौलपुर में बारिश का दौर जारी है। पार्वती बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। सैपाऊ और बसेड़ी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। धौलपुर में बारिश का दौर जारी है। पार्वती बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी हुई। आज पार्वती डैम के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हुई है, पानी की आवक हुई है। पानी की आवक होने के कारण बांध का ओवर फ्लो हो गया है, इसलिए हमने दो गेट दो दो फुट खोल गए हैं, जिनका टोटल डिस्चार्ज 2233 क्यूसेक है। और आज रात को बरसात होने पर गेटों की ओपनिंग और भी बढ़ाई जा सकती है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मुनेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मुनेश, देखिए धौलपुर में बारिश का दौर जारी है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पार्वती बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है, तो क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर के? जी मैं आपको बता दूं कि पिछले दो तीन दिन से यहाँ लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही थी। जी कल शाम को तेज बारिश हुई है, उसके बाद आंगई स्थित जो पार्वती का डैम है उसमें उसके जलस्तर में वृद्धि हुई है। जी। तो जलस्तर बढ़ने की वजह से 2 फीट के करीब दो गेटों को खोला गया है, 2233 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग राजस्व विभाग सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि जो नदी किनारे निचले जो भूभाग में जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से अन्यत्र दूसरे स्थान पर जाने के लिए बोला गया है। जी ऐसा भी बताया जा रहा है सैपाऊ और बसेड़ी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अभी जो जितना पानी डिस्चार्ज किया गया है उससे बाढ़ का खतरा तो नहीं है जी, लेकिन यह कह सकते हैं कि जो इलाके में जो कल बारिश हुई है, डैम पर बारिश हुई थी वो कम हुई है। इलाके में जो बारिश हुई है उससे जो बसेड़ी मार्ग पर जो पार्वती की नदी की रपट है, सैपाऊ में बाढ़ी मार्ग पर जो नदी की रपट है उन पर पानी चल सकता है ऊपर। जी शुक्रिया मुनीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें धौलपुर में बारिश का दौर जारी है।